डियर स्टूडेंट, आज का जो आपका लेक्चर है, लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ी थी सीडोपोडिया के बारे में पढ़ा था कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो हैं वो सीडोपोडिया हैं, फ्लैजुला हैं एंड सिलिया हैं। ठीक है, जिनमें फ्लैजुला होते हैं उनको हम फ्लैजुलेटेड कहते हैं, जिनमें सिलिया होते हैं उनको हम सिलिएट्स कहते हैं। तो आज हम देखेंगे वो हैं फ्लैजुलेटेड प्रोटोजोआ कि आया जो कितने प्रोटोजोन की कितनी क्लासेस जो हैं वो फ्लैजुलेटेड हैं। ठीक है, उनके पास फ्लैजुला है फॉर लोकोमोशन और उनकी आगे फर्दर जो है वो डिवीजन किस तरह से हैं। फ्लैजुला जो है वो एक स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है। ठीक है, विप लाइक ऑर्गन है। तो जो मूवमेंट एनिमल करता है वो दो तरह की मूवमेंट करता है जिनके पास फ्लैजुला होता है। एनिमल्स हैविंग फ्लैजुला मूव इन टू डायमेंशंस। वन डायमेंशन जो उसको हम कहते हैं हेलिकल, ठीक है, एंड सेकंड डायमेंशन जिसको हम कहते हैं विप लाइक। तो ये दो तरह की डायमेंशंस में एनिमल्स जो है वो अपनी मूवमेंट शो करता है और जिस ऑर्गन के साथ ये शो करता है उसको हम नाम देते हैं फ्लैजुला का। चूँकि फ्लैजुला जो फ्लैजुलेट्स हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्रोटोजोन में पाया जाता है पेलिकल। ठीक है, पेलिकल जो है बेनीथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और ये स्ट्रक्चर जो है उसको मेंटेन रखती है जो एनिमल है उसका। तो इसकी मूवमेंट से जो उसमें चेंज आता है, ठीक है, तो पेलिकल जो है इन फ्लैजुलेट्स की जो शेप है उसको मेंटेन रखती है। इसके अलावा 7500 जो हैं वो फ्लैजुलेट प्रोटोजोन्स हमें मिलते हैं। 7500 स्पीशीज़ जो हैं वो खाली फ्लैजुलेट्स की जो हैं वो आपको मिलेंगी प्रोटोजोन्स में। आगे जो फ्लैजुलेटेड प्रोटोजोआ हैं वो डिवाइड होते हैं टू क्लासेस में। फ्लैजुलेटेड प्रोटोजोआ जो हैं वो आगे टू क्लासेस में डिवाइड होते हैं। कुछ जो हैं वो प्लांट लाइक हैं, ठीक है, और कुछ जो फ्लैजुलेटेड प्रोटोजोआ हैं वो एनिमल लाइक हैं। तो इनकी डिवीजन हम कुछ इस तरह से करेंगे कि ये दो डिवीजन्स में जो है वो आगे फर्दर जाते हैं। एक है फाइटो फ्लैजुलेट्स, ठीक है, और दूसरे हैं जू फ्लैजुलेट्स। फाइटो फ्लैजुलेट्स, ठीक है, एंड जू फ्लैजुलेट्स। अब जो नेम फाइटो फ्लैजुलेट है, फाइटो का मतलब है प्लांट लाइक, ठीक है, और फ्लैजुलेट का मतलब है कि जिसमें फ्लैजेला हो, फ्लैजेला बेरिंग एनिमल सॉरी ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट लाइक फ्लैजेला बेरिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मैं पूरा लिख देती हूँ यहाँ पे। पहले हम इसको देखेंगे, उसके बाद जू का मतलब आपको पता है क्या होता है। जू का मतलब है एनिमल और फ्लैजुलेट का मतलब है फ्लैजेला बेरिंग बेरिंग ऑर्गेनिज्म। फाइटोफ्लैजुलेट्स प्लांट बेस्ड जो फ्लैजेला बेरिंग ऑर्गेनिज्म है और जू फ्लैजुलेट एनिमल लाइक जो हैं फ्लैजेला बेरिंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले अगर हम फाइटोफ्लैजुलेट्स की को देखें तो फाइटोफ्लैजुलेट्स में सबसे पहले हम एग्जांपल को पुट करेंगे। हमारे पास फाइटोफ्लैजुलेट्स में एग्जांपल आती है, हमारे पास एग्जांपल आती है यूग्लिना, ठीक है, और डाइनोफ्लैजुलेट्स की। अब जो यूग्लिना और डाइनोफ्लैजुलेट्स हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक मरीन स्पीशी है और दूसरी जो है वो फ्रेश वाटर स्पीशी है। जो डाइनोफ्लैजुलेट्स हैं वो मरीन वाटर स्पीशी है, मरीन वाटर हैं ये, ठीक है, और जो यूग्लिना हैं वो फ्रेश वाटर हैं। तो दोनों में डिफरेंस जो है वो हैबिटेट का है, ठीक है। डाइनोफ्लैजुलेट्स और यूग्लिना जो हैं वो दोनों कंसीडर किए जाते हैं इन फाइटोफ्लैजुलेट्स के। उनकी जो कुछ करैक्टर्स जो हैं वो फाइटो यानी प्लांट से हैं और कुछ करैक्टर्स जो हैं वो प्रोटोजोन के रखते हैं। तो उनको हम जब फर्दर जो है वो फ्लैजुलेटेड प्रोटोजोआ में डिवाइड करते हैं तो इनमें ये कंसीडर किए जाते हैं कि फाइटोफ्लैजुलेट्स में यूग्लिना और जो डाइनोफ्लैजुलेट्स हैं वो कंसीडर होते हैं। वहाँ बोर्ड पे आपको नज़र आ रही होगी डायग्राम बनी हुई, ये डायग्राम जो है वो यूग्लिना की है। यूग्लिना में जो है वो
न्यूट्रिशन जो है वो किस तरह से होती है, ठीक है। फ्लैजेला से मूवमेंट तो होती है, ठीक है, फ्लैजेला पोजेस किए होते हैं उन्होंने, लोकोमोटरी फ्लैजेला होते हैं, ठीक है, एक रोडोमेंट्री फ्लैजेला होते हैं। तो लोकोमोटरी फ्लैजेला के साथ वो क्या करते हैं, बाहर की तरफ एक जो है वायर की तरह का आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे, वो क्या है, लोकोमोटरी फ्लैजेलम है, उसके थ्रू जो है वो मूवमेंट शो करता है एनिमल। इसके अलावा यूग्लिना में यानी कि फाइटोफ्लैजेलेट में आगे जो शो होती है आपको इनकी, वो है न्यूट्रिशन, कि इनमें न्यूट्रिशन जो है वो किस तरह से होती है। चूँकि प्लांट बेस्ड हैं, ठीक है, प्लांट लाइक हैं, तो यहाँ पे इनमें मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर जो है उसको देता है, जिसकी वजह से ये ग्रीन होते हैं कलर में, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट जो है उसके थ्रू जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि इनकी क्वालिटी जो ये वाली है क्लोरोप्लास्ट वाली, उसकी बेस पे हम इनको नाम देते हैं कि ये फाइटो हैं, यानी कि प्लांट लाइक हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या करता है कि वहाँ पे अब्जॉर्प्शन जो है वो लाइट अब्जॉर्प्शन के थ्रू जो है वो एनर्जी जो है वो गेन करता है यूग्लिना, ठीक है। और फोटो रिसेप्टर्स जो हैं उनकी मदद से अब्जॉर्प्शन होती है उसकी बॉडी में। न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो यूग्लिना वो किसके थ्रू करता है, क्लोरोप्लास्ट के थ्रू करता है। अच्छा, इसी तरह से जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स में मौजूद होते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो हैं वो क्या हैं, पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो हैं वो डाइनोफ्लैजिलेट्स में होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स। ये पोजेस करते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स, और क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो हैं वो इनमें आगे मज़ीद जो हैं वो डिवाइड होते हैं ज़ैंथोफिल्स में। और ज़ैंथोफिल्स जो हैं, चूँ डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं उनका कलर गोल्डन ब्राउन होता है, तो वो जो ज़ैंथोफिल्स हैं उनमें उनकी वजह से, उनकी प्रेजेंस की वजह से ये फर्दर आगे डिवाइड होते हैं ज़ैंथोफिल्स पे, ठीक है। और गोल्डन ब्राउन कलर जो है वो शो करते हैं ज़ैंथोफिल की वजह से, इनका कलर जो है वो क्या होता है, गोल्डन ब्राउन होता है। तो इस चीज़ से ये वाज़े हुआ कि एक तो लोकोमोशन इनमें फ्लैजेला की होती है, ठीक है, फ्लैजेला की लोकोमोशन इस तरह से होती है कि जो लाइट की अब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, लाइट अब्जॉर्ब करते हैं फोटो रिसेप्टर्स, तो मूवमेंट जो है वो आगे की तरफ होती है, ठीक है, और इसी तरह से मूवमेंट जो है वो बैकवर्ड होती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दो तरह से इनमें जो है वो मूवमेंट देखी जाती है फ्लैजेला की वजह से, ठीक है। वाइप लाइक मूवमेंट उनमें होती है, ठीक है, हेलिकल ये मूव करते हैं कुछ इस तरह से, जब मूव करते हैं तो इनका फ्लैजेलम जो है वो इस तरह से मूवमेंट जो है वो शो करता है। अच्छा, दूसरा जो इनमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो भी अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से है, ठीक है, कि लाइट जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं फोटो रिसेप्टर्स, और इस तरह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। जहाँ पे क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं वहाँ पे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू एनर्जी जो है, यानी कि पॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो क्या किए जाते हैं, अब्जॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो लिए जाते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है ज़ूफ्लैजिलेट्स। ज़ूफ्लैजिलेट्स जो हैं, ज़ू का मतलब होता है एनिमल लाइक, यानी कि वो प्रोटोजोआ का वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एनिमल्स की तरह की जो क्वालिटीज़ हैं वो मौजूद हैं, ज़ूफ्लैजिलेट्स, एनिमल लाइक इनकी बॉडी या इन ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। ज़ूफ्लैजिलेट्स जो हैं उनमें हमारे पास एग्जांपल, सबसे अहम एग्जांपल जो है वो आती है ट्रिप्नोसोमा की, ठीक है। ट्रिप्नोसोमा जो हैं उसमें स्पीशी जो आती है ट्रिप्नोसोमा की, जो एज आ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ हम मेंशन करते हैं, बाकी भी हैं लेकिन एक कम्प्लेक्स की फॉर्म में जिसको हम मेंशन करते हैं वो है ट्रिप्नोसोमा ब्रियोसी।
ट्रिप्नोसोमा ब्रुसी जो है उसमें तीन जो स्पीशीज़ और हैं उनको मिला के एक कॉम्प्लेक्स जो है उसको नाम दिया जाता है, वो है ट्रिप्नोसोमा ब्रुसी। अब ट्रिप्नोसोमा ब्रुसी जो है वो एक पैरासिटिक स्पीशी है। क्या है? पैरासिटिक स्पीशी है, ठीक है। और इनमें क्वालिटी ये है कि ये क्या है, हेटरोट्रॉफिक है, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक है, अपनी फूड खुद जो है वो बना नहीं सकते, दूसरे पे जो है वो डिपेंड करते हैं। और दूसरे पे किस तरह से डिपेंड करते हैं कि एज अ पैरासिटिक जो है वो नेचर ये पाए जाते हैं, एज अ पैरासाइट, ठीक है। ट्रिप्नोसोमा ब्रुसी जो है वो एज अ पैरासिट जो है वो हमें मिलते हैं। पैरासिट जो हैं जब वो हमें मिलते हैं तो उसमें ये सर्वाइव करते हैं दो होस्ट के दरमियान, ठीक है। कुछ पैरासिटिक स्पीशीज ऐसी होती हैं जो अपने दो होस्ट जो हैं वो रखती हैं, टू होस्ट। वन होस्ट इज डेफिनेटिव होस्ट एंड सेकेंड वन इज इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। अपनी लाइफ का आधा हिस्सा एक होस्ट में गुजारते हैं और अपनी लाइफ का आधा हिस्सा जो है वो एक होस्ट में गुजारते हैं, ठीक है। जब वो हाफ पोर्शन लाइफ का एक में गुजारेंगे, हाफ एक में गुजारेंगे, और हो सकता है कि दोनों वर्टिब्रेट्स ही हों, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये है कि डेफिनेटिव होस्ट वो भी वर्टिब्रेट एनिमल है और इंटरमीडिएट होस्ट वो भी वर्टिब्रेट जो है वो एनिमल है। जो डेफिनेटिव होस्ट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ करता है ये, ठीक है। और इंटरमीडिएट होस्ट में जो है वो इमेच्योर फॉर्म में इनमें इंटर होता है और फर्दर जो है वो एसेक्सुअल प्रोडक्शन के थ्रू जो है वो एग रिलीज करते हैं, और वो एग जो होते हैं वो डेफिनेटिव होस्ट अपनी फूड के साथ अपनी बॉडी में ले जाते हैं, वहाँ पे वो हैचिंग हो जाती है और वो फीसिस के थ्रू जो निकल जाते हैं, और इंटरमीडिएट होस्ट उन फीसिस को विद फूड जो है अपने अंदर ले जाते हैं, तो इस तरह से। अच्छा, और यहाँ पे जो ट्रिप्नोसोमा ब्रुसी है उसमें होता ये है कि अगर डेफिनेटिव होस्ट के पास, जब डेफिनेटिव होस्ट के पास पहले से मौजूद है ये पैरासाइट, ठीक है, उसके डेफिनेटिव होस्ट के पास ये पैरासाइट मौजूद है ट्रिप्नोसोमा ब्रुसी, ठीक है, तो होता क्या है कि जो इन दोनों के दरमियान एज अ वेक्टर काम करता है एनिमल वेक्टर के तौर पे, वो कौन सा है, टेस्टिस फ्लाई है, ठीक है। एक इंसेक्ट है टेस्टिस फ्लाई, वो क्या करता है, वो डेफिनेटिव होस्ट वाला एनिमल यानी कि कोई मैमल है वर्टिब्रेट, ठीक है, जिसको हम डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं, उसको बाइट करता है, ठीक है। जब मैमल को टेस्टिस फ्लाई ने बाइट किया है, ठीक है, और ये टेस्टिस फ्लाई जो है जब बाइट करती है इसको, तो मैमल के ब्लड में ऑलरेडी जब मौजूद होता है ट्रिप्नोसोमा ब्रुसी के पैरासाइट मौजूद होते हैं, तो ये एक जो ड्रॉप है ब्लड जहाँ पे ये बाइट करती है वहाँ से ले के उस सलाइवा के साथ टेस्टिस फ्लाई जो है जब इंटरमीडिएट होस्ट मैन जो है उस तक जाती है, जब मैन को बाइट करती है, तो यहाँ पे जो डिजीज़ शो होती है वो होती है स्लीपिंग सिकनेस की, ठीक है। तो इस तरह से पैरासाइट जो हैं वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में मूव करते हैं। मैन के फीसिस जो हैं उनको जब मैमल अपनी फूड के साथ अंदर ले जाते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली पैरासाइट जो है अगेन यहाँ से मूव कर जाता है डेफिनेटिव होस्ट में, ठीक है। तो दो तरह के होस्ट होते हैं, डेफिनेटिव और इंटरमीडिएट। अब इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं ये स्लीपिंग सिकनेस की, एक तो आपको फीवर होता है, ठीक है, ह्यूमन की ये बीमारी है, ठीक है, एक फीवर शो होता है सिम्टम्स में, एक तो फीवर स्टार्ट हो जाता है आपको होना, ठीक है। इसके अलावा मेंटल इलनेस, ठीक है, और स्लीपिंग जो आपको बहुत ज़्यादा स्लीप यानी कि आप बहुत ज़्यादा सोते हैं, इसमें आपकी मेंटल जो कंडीशंस हैं वो रिटार्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं। इतनी ये ब्लड से होता हुआ आपके कोऑर्डिनेशन जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इसके पैरासाइट के जो हैं वो चले जाते हैं, ठीक है। जब वहाँ तक पहुँच जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन है वो शट कर जाता है, जिसकी वजह से डेथ जो है वो काज होती है। तो स्लीपिंग सिकनेस जो है वो बीमारी ये डेथ काज कर सकती है, ठीक है। और इसको फैलाने वाला, इसको स्प्रेड करने वाला जो दरमियाना वेक्टर है, जिसको हम कहते हैं एज अ वेक्टर बिटवीन डेफिनेटिव होस्ट एंड द इंटरमीडिएट होस्ट, इज़ टेस्टिस फ्लाई। फ्लाई है, एक इंसेक्ट है जिसकी मदद से ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में पहुँचता है, ठीक है जी। और इसके अलावा एक टॉपिक है
आज का आपका यही लेक्चर है। इसके अलावा एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं सिम्बियोसिस, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि एक असाइनमेंट बनानी है, ठीक है, जिसमें ये बताना है कि जो प्रोटोजोन्स हैं उनमें सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स जो हैं वो किस तरह से और कौन सी वाली स्पीशी में कौन से वाला रिलेशनशिप जो है वो शो होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सिम्बियोसिस जो होता है वो इंटीमेट रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान, ठीक है। और इसमें हमारे पास अगर हम डिवीजन देखें तो म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, ठीक है, प्रीडेशन और कमेंसलिज्म, इन चारों की आप लोगों ने डेफिनेशंस लिखनी है और इनकी जो है वो एग्जांपल्स पुट करनी है कि कौन सा एनिमल जो है वो कमेंसलिज्म शो करता है प्रोटोजोन में, एग्जांपल प्रोटोजोआ की हो, कौन से वाला जो है वो म्यूचुअलिज्म शो करता है, कौन से वाला जो है वो पैरासिटिज्म शो करता है। पैरासिटिज्म का आपने देख लिया है, ठीक है, ट्रिप्नोसोमा ब्रुसी है और आप लोगों ने ये असाइनमेंट जो है वो जमा करानी है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा सिलिएटेड प्रोटोजोन पे होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मैसेज करके।